हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास शर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है वन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप अपने फ़ोन के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर गूगल क्रोम को इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों, आप जब भी गूगल में कुछ भी टाइप करते हैं या सर्च करते हैं तो गूगल जो आपको सर्च रिजल्ट्स दिखाता है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाता है। हमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं दोस्तों जो इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है, और अगर आप उन रिजल्ट्स को हिंदी में देखना चाहते हैं तो किस तरीके से आप जो है गूगल के सर्च रिजल्ट्स को हिंदी में देख सकते हैं, ये आपको मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पे अभी गूगल क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर दिखा रहा है, या आप कोई और ब्राउज़र भी इस्तेमाल करते हैं और अगर आप उसमें गूगल के सर्च रिजल्ट्स देखते हैं तो वो आपको इंग्लिश में दिखाता है। तो यहाँ पर हम अभी आपको गूगल क्रोम में दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए, जैसे हमने गूगल क्रोम को ओपन अप किया है, हमारे सामने यहाँ पर होम पेज जो है google.com आ गया है। अब हम यहाँ पर अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पर हम मान लीजिए कुछ सर्च करते हैं, तो हमने यहाँ पे सर्च किया हु इज़ एन एस्ट्रोनॉट। तो जैसे इसे हम सर्च करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पर सभी के सभी रिजल्ट्स जो है इंग्लिश में दिखा रहे हैं। अगर आपको ये सारे के सारे रिजल्ट्स हिंदी में देखने हैं और आप कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो टॉप राइट कॉर्नर में तीन डॉट्स दिख रहे हैं इन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसलेट, तो आपको इस पर क्लिक करना है एक बार। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इस पर क्लिक किया और इसने ऑटोमेटिकली अभी जो लैंग्वेज डिटेक्ट की है वो है इंग्लिश। अब हमें इसे ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इन तीन डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपको दिखा रहा है मोर लैंग्वेजेस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस शो कर दी जाएगी और आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं और आपको जो गूगल के सर्च रिजल्ट्स है वो उसी लैंग्वेज में दिखाए जाएंगे जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट की होगी। तो यहाँ पर फिलहाल हम देख रहे हैं हिंदी, तो हम यहाँ पे इसे स्क्रॉल अप करेंगे और हिंदी देखेंगे। ये देखिए, हिंदी हमारे सामने आ गई है, इस पर अब क्लिक करेंगे। तो हमने इस पर क्लिक किया दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर अब जो भी सर्च रिजल्ट थे जो पहले इंग्लिश में दिखा रहे थे वो सभी के सभी सर्च रिजल्ट हमें हिंदी में दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है गूगल के सर्च रिजल्ट्स को हिंदी में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको सभी के सभी यहाँ पर अभी फ़िलहाल हिंदी में दिखाई दिया जा रहा है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज में भी इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम ही मेथड रहेगा। आपको यहाँ पर तीन डॉट्स पे क्लिक करना है, ट्रांसलेट पे क्लिक करना है, इसके बाद ये जो तीन डॉट्स यहाँ पर दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से मोर लैंग्वेजेस पे जाना है और आप अपनी पसंद की लैंग्वेज यहाँ से चूज कर सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको इसे फिर से इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करना है तो आपको फिर से ये प्रोसेस करना है, तीन डॉट्स पे क्लिक करके मोर लैंग्वेजेस पे जाना है और यहाँ से आपको इंग्लिश सिलेक्ट कर लेनी है जो कि आपकी बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है। तो ये देखिए, हमने यहाँ से इंग्लिश पे क्लिक किया और ये फिर से इंग्लिश में हो गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए बेनिफिशियल होगा तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।